मुझे ऐसा नहीं लगता, ये सब अफवाहें हैं। मेरी सचिन पायलट से 2 से 3 बार बात हुई। चिंता ना कर, हम एकजुट होकर लड़ेंगे। राजस्थान कांग्रेस साथ रहेगी। इन अफवाहों पर विश्वास ना करें। प्रदेश की गहलोत वर्सेस पायलट वाली सियासी लड़ाई में कब क्या हो जाए, कौन क्या बोल जाए, कुछ भी असंभव नहीं। दिल्ली की बैठक के बाद अब बात आई कि 11 जून को पायलट दौसा जाने वाले हैं, जहां वो अपने पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसी बीच और खबरें आने लगी कि पायलट 11 जून को कुछ बड़ा करने वाले हैं। अंदेशा जताया गया कि वो पार्टी छोड़ सकते हैं, अपनी नई पार्टी बना सकते हैं। 2 दिन न केवल प्रदेश बल्कि देश के साथ ही कांग्रेस आलाकमान के गलियारों में ये चर्चा खूब चली। मगर अब इन खबरों पर ब्रेक लगाते हुए कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने जो कहा वो सुनना बेहद जरूरी है। Why don't you asking the questions on the basis of a rumors? Brother, in my knowledge, there is no such movement is there in Rajasthan. So really, is he not going to form a party? No, I told you about your questions. That's what. So have you had a word with Mr. Sachin Pilot after that meeting? So many times. 2-3 times I had a word with Sachin Pilot. So, was there any meeting also, sir, with Sachin Pilot? No, don't worry about thing. We will fight unitedly. Rajasthan Congress will be together. Don't worry about it. Don't believe these rumors. Understood? यहाँ केसी वेणुगोपाल ने कहा, मुझे ऐसा नहीं लगता, ये सब अफवाहें हैं। मेरी सचिन पायलट से 2 से 3 बार बात हुई। चिंता ना करें, हम एकजुट होकर लड़ेंगे। राजस्थान कांग्रेस साथ रहेगी। इन अफवाहों पर विश्वास ना करें। यानी दिल्ली की बैठक के बाद कांग्रेस आलाकमान की ओर से सचिन पायलट से लगातार संपर्क किया जा रहा है, या फिर ये कहा जाए कि पार्टी बनाने की खबरों के बीच फिर से पायलट को मनाने की कवायद शुरू हो गई है। आपको बता दें, सचिन पायलट ने दिल्ली की बैठक के बाद जब वो अपने विधानसभा क्षेत्र पहुंचे थे तो उन्होंने अपनी मांगों को हवा दे दी थी, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा होने लगी कि पायलट बैठक के नतीजे से खुश नहीं है और हो सकता है कि वो अपने पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि वाले दिन कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। इस ऐलान में 11 तारीख की वजह इसलिए खास मानी जा रही है क्योंकि पायलट ने 11 अप्रैल को अनशन किया था, 11 मई को पद यात्रा की थी और पद यात्रा के समापन वाले दिन पायलट ने आंदोलन की चेतावनी दी थी। पायलट के आंदोलन की चेतावनी की समय सीमा तो 31 मई को खत्म हो गई, लेकिन कहा जाने लगा कि पायलट अब 11 जून को कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। अब जब केसी वेणुगोपाल का बयान आ गया है कि पायलट के संपर्क में है और किसी भी तरीके की अफवाह पर विश्वास ना करें, तो अब देखना होगा 11 तारीख को कि पायलट 15 मई को जयपुर की ओर बैठक के बाद टोंक की जनता और युवाओं से जो वादा किया था उस पर क्या एक्शन होता है। फिलहाल गहलोत सरकार ने तो उनकी मांगी गई किसी भी मांग पर कोई एक्शन नहीं लिया है।